हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिष्टी रसगुल्ला। उसके लिए आप 1.5 किलो दूध घर में पनीर बना लें, और पनीर बनाने के लिए आपने इसमें सिरका डालना है 1/2 कप। उससे पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा और अपने रसगुल्ले भी सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको आपने एक सूती कपड़े में छान लेना है, और छान के और उसी टाइम आपने उसको ठंडे पानी में डाल के निचोड़ लेना है। पनीर बनके आपका रेडी है। आप घर में नहीं बनाना चाहते तो बाज़ार से भी ला सकते हैं पनीर। पनीर आपका सॉफ्ट होना चाहिए ताकि जब हम उसका डो बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट बने। ये ठंडे पानी में डाल के मैंने निचोड़ लिया है। अब हम चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं और थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी बना रहे हैं। चाशनी में 1 उबाल आने पर थोड़ा सा केसर और इलायची के दाने डाल देंगे। चाशनी को आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल पतला बनाना है पानी की तरह। और पनीर में आप 1 बड़ा चम्मच सूजी और 1 बड़ा चम्मच मैदा डाल के इसको आपने अच्छी तरह मैश करना है। और अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप इसको मिक्सी में भी घुमा सकते हैं। थोड़ा सा आपने चुटकी बेकिंग पाउडर डालना है। आपका डो एकदम आटे की तरह सॉफ्ट और पतला होना चाहिए। डो अगर आपका गाढ़ा या मोटनस टाइट होगा तो रसगुल्ले आपके अच्छे नहीं बनेंगे। इसको आपने अच्छी तरह गूंद के आटे की तरह और 20 मिनट के लिए रख देना है। चाशनी को आप एक बार बंद कर दें। जब आप इसमें रसगुल्ले डालेंगे तब आप दोबारा चला लेना गैस। इसको बनाने में भी 1/2 घंटा भी नहीं लगता है। बस जो आपने रखना है टाइम, इसको उसी में ही टाइम जाएगा आपका। इसको आप गीला कपड़ा डाल के रख दीजिए 20 मिनट के लिए रेस्ट पे। चलिए, इसके बाद हमने इसमें जो मलाई डालनी है उसको हम तैयार करके रख लेते हैं। मलाई ले लिया है 2-3 चम्मच, थोड़ा सा उसमें पीसा चीनी, और इसमें एसेंस डाला है वनीला एसेंस या आइसक्रीम, कोई भी एसेंस डाल के आप फेंट लें मलाई को, नहीं तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपका डो को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसके आप ओवल शेप में गोले बनाइए और चाशनी में उबलने के लिए रख दें। कम से कम आपको पूरा 30-35-40 मिनट उबालना है, तभी आपके रसगुल्ले एकदम बाजार की तरह सॉफ्ट बनेंगे। चाशनी बिल्कुल पतली रखनी है आपने, तभी इसके अंदर जाएगी पूरी चाशनी। और इसको आपने ढक के पकाना है। गैस को बिल्कुल लो कर दीजिए, मीडियम या लो पे करके इसको थाली से ढक दीजिए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और रसगुल्लों का देखिए कलर भी ब्राउन हो गया है। इट मींस ये पक चुके हैं। अब इनको आप ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद ही आप इसको सर्व करें। मलाई को भी आप फ्रिज में रख दें फेंट के। चलिए, सर्व करने के लिए रेडी हैं आपके मिष्टी रसगुल्ला। और खाइए, बताइए और इसका टेस्ट कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। देखिए, एकदम बन के सॉफ्ट रसमलाई की तरह तैयार हुए हैं।